केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। पीड़िता 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं सर, आज तक डिस्पैच नंबर भी नहीं मिला है सर। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सर ने मिलवाया, अभी कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं मिला। आपने स्पेशली छुट्टी करके सर यहाँ पर आया हूँ। आप लोग भैया समझते कि काम शांति से चलता रहे, शांति से हो जाए। अगर कोई कमी है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से दिक्कत है, तो कभी आपने यादव साहब हमें बताया नहीं इस बात को है? आपको बताना चाहिए ना कि अगर सीएमओ के यहाँ देर हो रही है जैसा भी बता रहे हैं, या एसडीएम के यहाँ देर हो रही है, एक बात हमें बताओ ना। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद आज तुरंत ही महापौर हरिकांत अहलूवालिया को याद आया कि बतौर जनप्रतिनिधि लोगों की नगर निगम से संबंधित समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी उनकी है। डॉक्टर वाजपेयी के निगम से निकलने के तुरंत बाद ही महापौर हरिकांत नगर निगम पहुंच गए, कर्मचारियों से मिले और कहा कि आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि काम शांति से चलता रहे, काम शांति से हो जाए, यदि इसमें कोई समस्या है तो उन्हें बताया जाए। भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबे होने के आरोपों से जूझ रहे नगर निगम में महापौर किस काम के शांति से होने की बात स्टाफ को समझा रहे थे, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान यह भी महापौर को बताया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में समय लगने का मुख्य कारण एसडीएम व सीएमओ ऑफिस में आवेदन का महीनों पड़े रहना है और बदनामी का ठीकरा नगर निगम के सर फोड़ दिया जाता है। फौजी से मारपीट करने वाले स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा महापौर ने कहा। पहले सुनिए क्या समझाया महापौर ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्टाफ को। आप लोग क्यों नहीं भैया समझते कि काम शांति से चलता रहे, शांति से हो जाए। अगर कोई कमी है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से दिक्कत है, तो कभी आपने यादव साहब हमें बताया नहीं इस बात पे है? आपको बताना चाहिए ना कि अगर सीएमओ के यहाँ देर हो रही है जैसा भी बता रहे हैं ये, या एसडीएम के यहाँ देर हो रही है, एक एक बात हमें बताओ ना। और भाई साहब बताओगे कुछ हो नहीं, निगम में ये झंझट होते रहे, निगम बदनाम होता रहे। आप सोचो सारे पार्षदों पे सवाल आता है, पब्लिक की उसके लिए 90 पार्षद है ना, सभी की स्थिति खराब होती है। भैया जरा 2 मिनट आपके लिए ही बात कर रहे हैं, अभी आप उनका काम करते रहो,16 जून में साइट में अपडेशन हुआ भारत सरकार की साइट, जन्म मृत्यु की जो साइट है उस पर अपडेशन कार्य हुआ भारत सरकार का, उसके कारण काफी चेंजेस आए हैं सर साइट ना, तो ओटीपी आता है कभी कभी, कभी कभी साइट बहुत स्लो हो रही है, कभी चलती नहीं है सर, और पेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर कार्य की। हमने अभी अपर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम एक्स्ट्रा कुछ स्टाफ दे करके निस्तारित कराएंगे, कुछ डिस्कशन अपर साहब 1 घंटे डिस्कस किया, पूरा कुछ सुझाव है, हाउस टैक्स का अलग करेंगे सर काउंटर, एक पार्षद के लिए अलग काउंटर करने की बात चल रही है सर, एक बार पार्षद के लिए अलग से काउंटर चलाने के लिए, हाउस टैक्स को अलग डिवाइड करने के लिए सर, जो हो गया उससे तो आगे के लिए सर। पीड़िता 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं सर, आज तक डिस्पैच नंबर भी नहीं मिला है सर, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सर ने मिलवाया, अभी कोई नंबर नहीं मिला, कोई नंबर नहीं मिला, आपने स्पेशली छुट्टी करके सर यहाँ पर आया हूँ। बाद में firstbite.tv से वार्ता करते हैं महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने यह कहा। नगर निगम में मृत्यु जन्मार पत्र के अंदर जो आपने निरीक्षण करा, क्या पूरा मामला है, इसके अंदर लगातार खबरें ही निकल कर आ रही हैं। देखिए ये जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे जो नगर निगम में बनते हैं, इसकी व्यवस्था ये हम भी देख रहे थे,
कुछ समय पहले से कि ये बहुत अच्छे से नहीं चल रही, उसके लिए इस व्यवस्था को जो पहले टोटल नगर निगम में होती थी इसको हम लोगों ने 3 जोनों में बांट दिया है और ये बहुत जल्द हर जगह कंप्यूटर रखवाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बहुत जल्द ये इसका जो सिस्टम है वो 3 जगह से ऑपरेट होगा और फिर इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई अगर एप्लीकेशन हमारे आती है कहीं भी आती है वो SDM के पास भी जाती है, वो CMO के पास भी जाती है, तो वहाँ की कोई टाइम लिमिट नहीं है। पता लगा SDM क्या 1 महीने से वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ पड़ा हुआ है, वो गौर करने रहे, वो पता लगा कि कितनी समय दफ्तर में बैठ रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, वो पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है वहाँ की, तो वो भी झंझट निगम के ऊपर आ रहा है जबकि SDM को अपना काम करना है। अगर कोई CMO के यहाँ जा रहा है उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने दिन में क्लियर होगा, वो भी झंझट, देरी CMO के यहाँ हो रही है, झंझट हो रहा है निगम के ऊपर। तो जो निगम की कमी है वो निगम दूर करेगा, वो अधिकारियों के साथ बैठकर यहाँ बात हो गई। मैंने एक माननीय जिला अधिकारी जी से अपने DM साहब से एक निवेदन करा है, जिन्होंने और भी बहुत सारे विषय यहाँ के होते हैं वो उन्होंने सॉल्व कराए हैं बीच में पढ़ के, और ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, है ना, तो हमने जो उनसे निवेदन करा है तो वो बहुत जल्द निगम के अधिकारी और CMO ऑफिस के अधिकारी, CMO भी रहेंगे, SDM को भी, सबको अपने पास बुला के हर एक की टाइम लिमिट तय हो जाएगी कि CMO के यहाँ 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, SDM के यहाँ 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, निगम में भी 3 दिन या 5 दिन जो भी सिस्टम है वो लागू हो, ताकि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महानगर की जनता को प्रॉब्लम ना आए, बार बार निगम के चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि मैं फिर दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, CMO ऑफिस की देरी, SDM ऑफिस की देरी, वो सारे झंझट निगम के ऊपर आ रहे हैं, जबकि वहाँ पर निगम को SDM क्या, निगम कुछ नहीं करेगा, वहाँ SDM साहब के अधिकारी करेंगे, जहाँ CMO है वहाँ CMO ऑफिस के अधिकारी करेंगे। तो निवेदन पे उन्होंने बात हमारी समझ ली, तो वो मैं समझता हूँ कल ही वो सबको बुलाकर सबकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसमें कोई झंझट रहेगा नहीं। सर, कुछ दिन पहले फौजी की पिटाई का मामला सामने नजर आया था, इसके अंदर क्या कारण? देखिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया, इसमें संज्ञान नहीं ले पाया था, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिवरात्रि के पर्व में लगा हुआ था, हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन जल लेकर आ रहे थे और एक भारी भीड़ थी, तो हजारों कैंप लगे हुए थे हर जगह, जब शौचालय पहुंचाने, नगर निगम ने शौचालय पहुंचाए, निगम ने पूरी सफाई व्यवस्था देखी, सारे निगम के कर्मचारी लगे रहे, तो सारी व्यवस्था निगम उस तरफ लगा रहा, हम भी उधर देख रेख में लगे रहे, निगम के अधिकारी भी वहाँ पर उस व्यवस्था को देखने में लगे रहे, इस कारण इसमें थोड़ा सा देरी हुई। और ये आप जैसे ही शिवरात्रि का पर्व कल पूरा हो गया, आज निगम में आकर इस पर संज्ञान लिया गया, तो यहाँ पर इसकी जो फुटेज कवरेज मांगी, जो एक सत्यता बिल्कुल सामने आए, तो वहाँ के हमारे ये CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं वो चलते नहीं पाए गए, चलते नहीं दिखाई दिए, ये एक वाकई ये एक कमी है और दुख का विषय है कि आज के इस ज़माने में ये कैमरे अगर ठीक नहीं है तो ये ज़रूर सवाल निगम के अधिकारियों के पास आते हैं कि वो किस तरह की उन्होंने व्यवस्था ये बनाई हुई है। तो उनसे बहुत सख्ती से कहा गया है बहुत जल्द ये कैमरे सब ठीक होंगे, सारी व्यवस्था ये पब्लिक के सामने दिखाई देगी, हो सकता है इसका एक स्क्रीन बाहर भी लगाना पड़े, तो ये सारी व्यवस्था ठीक होंगी। सर, 15-20 साल से एक ही सीट पर विचाराधीन बैठे हुए हैं सारे अधिकारी, उनके ऊपर क्या कहना आपका? नहीं, जो लंबे समय से यहाँ पर बाबू बैठे हुए थे निगम के अंदर, अभी उनके बहुतों के ट्रांसफ़र हुए हैं, बोर्ड ने भी, हमने ये मांग करी थी, ये विषय बोर्ड ने उठाया था, कार्यकारिणी बोर्ड से पास भी है, तो मैं समझता हूँ कि सभी बाबू हटाए गए, कौन बाबू, मेरे ख्याल से तो 1-2 हों तो हों, नहीं बाकी तो सब बदल दिए सब भैया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।